अब शुरू होगी अपनी असली राइड। ये देखो ये देखो, हाँ जी नोसो। सो गाइस, स्वागत है आपका एक संडे राइड व्लॉग में। सुबह मैं व्लॉग कर नहीं पाया बिकॉज ऊपर से मैं नींद में था एंड ऊपर से मैं लेट हो रहा था और ऊपर से ठंड, मतलब मैं फटाफट रेडी होके गया हूँ और जो मेरे पास नी गार्ड्स थे ना, मतलब क्या ही बोलूं, गालियां दी है मैंने वहां बैठ के। बाकी गालियां तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता और गालियां वैसे रिकॉर्ड हुई है बहुत सारी, आपको एक ही पार्ट देखने को मिलेगा इस संडे राइड का। सारी वीडियो देखने यार दूसरा पार्ट क्यों नहीं आ रहा, वो आपको जब मैं जाऊंगा ना निकलूंगा वहां से आपको पता लगेगा कि क्यों नहीं करा मैंने सेकंड व्लॉग। एंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना व्लॉग, हां और लाइक कर देना। तो हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका टीए व्लॉगिंग में। तो कैसे आप सब, होप करता हूं सब बढ़िया होंगे यार। तो जाके व्लॉग देखो फटाफट और बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको। अभी मैं सोच रहा हूं यहीं से सीधा यहीं से स्टार्ट करें, मैंने घर से इंट्रो लिया नहीं, वैसे ही मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि आज ठंड बहुत है ना, तो सुबह उठा और मन नहीं किया, फटाफट उठा भागने का मन किया, चलते हैं। और भाई आने वाले हैं, दो भाई यहाँ से मिलेंगे, एक मिलेगा अपने को विपिन भाई एकमपुरा से। मैंने यहाँ एंगल लगाने की कोशिश की पर एंगल लगा ही नहीं, सुबह सुबह ऐसे ही चलता है, अगर ऊपर मीटर खींच देंगे तो फटाफट आ जाएगा। मैं कहा तो पहले कट में डाल दे भाई, चाहे कितनी देर मर्जी लग जाए। सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पे इसकी रेड लाइट जलती है, उसे पता लग जाता है कि भाई कैमरा ऑन है, स्क्रीन में देखने की जरूरत ही नहीं है और एंगल तो वैसे भी बेस्ट आता है। तो गाइस फाइनली सॉरी सॉरी एंड अगेन सॉरी बिकॉज यार आना व्लॉग बन नहीं पा रहा है, लेट भी हो गए, बस ऊपर से इसकी बैटरी भी डाउन हो गई, मेरा एंगल भी कोई भी नहीं लगा। और ऐसे कभी कभार हो जाता है जब मूड खराब बहुत होता है, और मेरे पैर ये वाले नी गार्ड भाई साहब इसे बहुत दिमाग खराब हो रहा है, किसी के बैग में रख दूँगा और किसी के बैग में जगह होगी तो। बाकी ठीक है, ये क्या कर दिया उन्होंने यहाँ पे। बाकी एंगल तो बेटर आ रहा होगा पहले से, रात में क्वालिटी भी अच्छी आएगी, सुबह सॉरी। ये भाई साहब स्वागत स्वागत होते हुए। दिमाग खराब है, जब मैं पहले 7 बजे के मीटअप के लिए बोल रहा था तो 7 बजे आए, 7 बजे रखोगे तो 7:30 पहुँचते। अरे वो भैया ने लेट करवा दिया, आर आर वालों ने यार, आ रहे हैं पेट्रोल डलवा लिया वो। अरे भाई क्या भाई, चले जाते हैं आगे, चले जाते देख लिया, बढ़िया लग रही है, मुझे लगता है आवाज भी आपको कम ही आई होगी, विंड नॉइज ज्यादा आई होगी बिकॉज माइक थोड़ा नीचे था। एंड अब शुरू होगी अपनी, दोबारा बोलना पड़ेगा, अब शुरू होगी अपनी असली राइड, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह से व्लॉग करके नहीं आ रहा। ये देखो अपनी औकात पे ही हूँ बीबी मैं, क्या है अपनी औकात पे ही हूँ बीबी, ये रहा वो औकात नहीं भूलनी चाहिए, सही बात है, पूरा वक्त नहीं भूलना चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सीआर माइकर्स गया कब, अभी गया। अच्छा यहीं से, यहीं से ये मांगी हुई चीज का यही हाल होता है, अच्छी तरह पूरी रियाती बस फिटेड, अच्छे खासे हो गए थे, एक तो पहन ही नहीं रहा मैं, पहनता ही नहीं, मतलब ये देख लो दुखी कर लिया इन्हें तो। हाँ हर्ष, तो हम 5 बंदे हैं आज, 1 2 3 4 5 और आवर हिल्स जा रहे हैं, बहुत ही कम बंदे हैं और बहुत ही जल्दी जाना है, बहुत जल्दी आना है भाई को, विपिन भाई को, बाकी किसी को इतनी जल्दी नहीं है अभी तो। यहाँ से राइड शुरू होती है बिकॉज वहाँ से और यहाँ तक बहुत ही कठिन वाला रास्ता था मेरे लिए, देखो चलो 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 तो बस यही दिक्कत है, रुक जा ठीक है, तू इधर ही रुक, कल आते हैं कल मंडे को। अच्छा सुनाई नहीं दे रहा क्या, कोई नहीं वीडियो देख लेना, अपना गोप्रो 4 लगा दिया और गोप्रो से भी शूट करूंगा मैं। ओहो वाह वाह, अब मेरे आगे मैं सबसे आगे हूँ क्यों ऐसे, भाई साहब नीचे करते हैं बिकॉज बहुत ठंड हो रही है, आंखों में ना वैसे भी मेरे प्रॉब्लम हो चुकी है, दिखता ही नहीं दूर का ज़्यादा, छोटे छोटे अक्षर। मेट्रो में बैठा उस दिन मैंने चेक किया भाई, दिख ही नहीं रहा था कुछ, फिर मैंने कहा नहीं ब्रो, फिर वाइजर वजह से ना थोड़ा बहुत आंखों में इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैंने कहा बंद कर लेते हैं,
लो भाई विपिन भाई आगे निकल गए, अब अपने को कोई चिंता नहीं है। 15 दिन बाद राइड हो रही है, पता तुम्हें 10 दिन बाद। यार मैं अपना गोप्रो यूज नहीं कर पा रहा, देख लो मेरे पास है अभी भी, उसकी आवाज का इशू है। बाकी जहाँ रुकेंगे ना आती बार मैं पूरा गोप्रो से शूट करूँगा, पूरा गोप्रो से। वो सारा ठंड है ना, आती बार थोड़ी धूप हो जाएगी, उसको बटन दबाने में भी दिक्कत हो रही है कि बटन दबाता हूँ तो ऑन नहीं होता, वो इतनी ठंड पड़ रही है। हाँ तो गाने भी समझ नहीं आ रहे कौन से चलाऊ, बस राइड करने का मन कर रहा है सीधा सीधा बताऊँ तो। ये बाय बाय हो रही है यहाँ पे। ठीक है भाई ठीक है, आपको जितने हमने जितने पैसे दिए है ना उतने ही चलेगी गाड़ी। हैप्पी जर्नी। भीड़ होने लग गई यार, पता नहीं क्या चक्कर है, गाड़ी वाले भी सुबह राइड पे आने लग गए ठंड में। भैया कितनी स्पीड पे है मैं देख लो, और ये देखो भाई यहाँ की रोड बड़ी अच्छी है यार, दिल खुश हो जाता देख के, इतनी बड़ी बड़ी रोड है ना। वो देखो BMW भूसा भूसा, ब्यूटीफुल गाड़ी भाई। इतना सुन हो गया ना मैं कि मेरे को अपनी वाइब्रेशंस बाइक की बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही, ऐसे लग रहा है मैं बस कोई ऐसे सूखे ऐसे क्या बोलूँ, मतलब मैं प्लेन जगह पे बैठा हूँ, ऐसे लग रहा है बस चले जा रहा हूँ अपने आप ही, बिना इंजन के बिना ब्रेक के। सूरज महाराज जी आ चुके हैं तो अब थोड़ी बहुत ठंड कम हो जाएगी, और भाई कसम से बता रहा हूँ 7:30 ही हो गए अभी, 7:30 भी नहीं हुए मुझे लगता। और ये जो मैं पहन के आया हूँ ना ये नी गार्ड्स पूरे ही नहीं आ रहे भाई साहब, मतलब विपिन भाई अलग हो गए हैं, सबसे आगे थे और पता नहीं अब कहाँ चले गए, फिर लोकेशन सेंड कर रहा हूँ मैं उन्हें। बाकी बहुत ठंड हो रही है यार कसम से, हाथ ना ऐसे ये ऐसे भी हो रहे सही बता रहा हूँ, ये देखो नहीं सा नहीं। बाकी अब थोड़ा सा वहाँ बैठेंगे ना, थोड़े बहुत हाथ वात सेकने को मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। हमारी वीडियो बनती हुई हमारी बनती थी, ओहो न्यूट्रल हो गई भाई, बड़ा गंदा हो जाता गिर जाते। भाई बाइक आ रही है या कार आ रही है, आपको आवाज सुनाई जाएगी एंड दिखाई जाएगी, इसी बात पे लाइक ठोक देना। हाय बुसा है व्हाइट कलर की। ओ ये क्या हो गया, भाई गाड़ी कैसे हुई बड़ी है। हाय बुसा चल रही है मेरे पीछे नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है जब कोई बाइक चलती है ना ऐसी बड़ी बाइक साथ में या आगे पीछे, अच्छी लगती है। या हम चल रहे होते इसलिए आगे पीछे हम चल रहे हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हाँ बताओ यहीं आके मज़ा आने लगा है, वहाँ तो ठंड सेक ही आए हैं, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। और गाड़ी कैसे पलटी पड़ी है देख लो, भाई से गिर गई होगी आई थिंक, पता नहीं कैसे पलट पलट गई होगी या कैसे भी है, आई रियली डोंट नो एंड होप है होप हो सब अच्छे हो अंदर से, उनको कुछ ना हो बंदों को। ये देखो अच्छा रोकी है क्या, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, रोक एकदम से रोक दी। मारो मारो वीडियो बन रही है आज तो। हाँ तो इससे व्लॉग करूंगा आज मैं, और इसकी बैटरी डाउन हो गई थी जैसे आपको पता है। और बाय द वे हम पहुंच चुके हैं एंड ये रे भैया सुपर व्यू में, एंड हर्ष भैया और भाई वो कहां गया, ऋषु भैया ठीक है। बाकी बहुत मिट्टी थी एंड ये देखो मिट्टी मिट्टी पूरी बाइक, ये मिट्टी तो अपनी बाइक ये खड़ी। ओ ये क्या हो गया कैमरे के सामने, ये गिरते गिरते अच्छा अभी अभी लीन हो जाता है मस्त, कैमरा ऑन नहीं था बस ये दिक्कत थी, लीन हुआ था अभी। सच्ची सच्ची बताऊं, आज सच्ची बताऊं, देखो मैं यहां पे ना 10 बार आ चुका हूं गाड़ी से, लेकिन आज की फीलिंग पता है कैसी है, आज तो मैं दोबारा देखना चाहता हूं पहली बार की तरह, मेरी फीलिंग आज वो है कि बाइक के पहली साथ है आज मेरे साथ, वाली फीलिंग हो रही है। पहली बार में मजा आया था कि स्लैप लगा था वहां से नीचे, हां मैंने देखा था जहां बैठेंगे, मैंने ब्रेक दे दी वहां पे तो यहां पहुंच गए। बाकी इसकी ना बैटरी पता नहीं क्या हो गया, बहुत प्यारी वीडियो आई थी, चार्जर भी टेढ़ा हो गया, मैंने बोला था कि इसमें चार्ज लगा रखे हैं बंद करें तो ये ए रुक जाओ तो ये टेढ़ा हो गया। बाकी यार इसकी वायर वाली चार्जर मेरे को लेनी पड़ेगी, बाकी देखते हैं मिलती भी है या नहीं, लेनी पड़ेगी क्या लेनी पड़ेगी इसका चार्जर। क्या क्या बातें कर रहे हो यार, थोड़ा बस अभी पिछली बार तो तुमने वो लगा दिया टों करके बीप लगा दी थी, वही करूंगा सरप्राइज सरप्राइज
तो ये डिसाइड हो रहा है अभी, पता नहीं क्या बातें करने जा रहे हैं। बाकी इसको चार लगाए तो थोड़ी देर इसकी बैटरी हो जाएगी, फिर इसे अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। जाते बार क्या मिरर, मिरर लो, आज मिरर लेके आया हूँ मैं। नहीं यहाँ लाता हूँ भाई, मिरर फिट करते हैं, पहले मिरर रख लो। अरे फिट करके देखूंगा पहले। हाँ हाँ ये लो, ये देखो भाई, बंदे ने मिरर मंगवाया था, मिरर लिया है। बैग बंद कर देना, बैग बंद कर देना, बैग बंद कर देना। बहुत दुखी आदमी है बंदा, ये सही बताओ तो। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं यार, बस विक्टर सिंह रावत की मरने का बहुत गम है मुझे, क्योंकि सब मुझे अटैक करने लग गए थे बहुत। अबे एट द रेट सिंह रावत विपिन रेस्ट इन पीस, मैं नहीं मरा बहन। ये रास्ते में भाई बच्चे बाथरूम में कह रहे टैग आ रहे हैं। अबे बंदे टैग कर रहे, मैंने कहा तेरा भाई फेमस हो गया, 300 व्यूज आ रहे स्टोरी पे। उसके बाद पता चल रहा है उसे थोड़ी देर मेरा दोस्त कह रहा भाई ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा अच्छा ये हल्की लेके चल रहे हैं साथ में, स्पेशल ले गया है, सेट करते हैं घुमा घुमा के। हां बना तू गालियां तो काट देता है, फायदा क्या है गालियां, क्या फायदा यार गालियां, तो मैं गालियां नहीं काट देता। तो भाई बंदे ने बर्न आउट मारना मेरी बाइक पे था, चला यहाँ गया तो ये अंदर तक पूरी पूरी मिट्टी एंड यहाँ भी अपनी बाइक टायर पे लगा। आर्म ब्रेक पे तो चलो मुझे पता कैसे साफ होनी है, इसका नहीं पता कहाँ आ जाएगा। एक एक मारने की कोशिश कर रहा था, बैंक बर्न आउट मार दिया बाइक को, बताओ मिट्टी कर दिया, गड्ढा कर दिया। We'll be right back.